the ideal concept. कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होइएगा। और अपने घर में जो मेरे द्वारा अपलोड किए जाते हैं वीडियो, उसे जरूर देखते होइएगा और ध्यान से देखते होइएगा, और आपको आसानी से समझ में भी आती ही होंगी। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आप लोग देख पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब देख लें तो आप कमेंट में कुछ भी लिख दें, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हैं और मेरा जो मेहनत जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा मेहनत सफल हो रहा है। अन्यथा आप वीडियो नहीं देख रहे हैं तो मेरा मेहनत करना निष्फल हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी वीडियो को, जितने भी वीडियो को देखिएगा, नीचे आप कमेंट में कुछ भी लिख दें। ना कुछ समझ में आता है तो आप अपना नाम लिख दें, उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने देख लिया है। ओके, आज मैं आप लोगों को, मैं पिछले क्लास दो कक्षाओं में मैंने आपको बताया थेरेस पढ़ने और उसका विलोम। अगर आप इन दोनों पढ़ने के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, अगर आप इस दोनों थ्योरम को सही से समझ गए होंगे, तो आगे आपको उदाहरण में बता रहा हूं, उदाहरण भी आसानी से समझ में आ जाए। और जब उदाहरण समझ में आ जाएगा तो चैप्टर हम देखेंगे, है ना। तो आज हम लोग उदाहरण का, पहला उदाहरण का जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, यहां लिख दिया हूं एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट बुक। ये एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक का है, इसलिए क्वेश्चन आप वहां से देख लीजिएगा, मैं सिर्फ बोलूंगा। तो क्वेश्चन क्या है, यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी, ये त्रिभुज है कि भुजाओं, कोई रेखा है जो भुजाओं एबी और एसी को, एबी को डी बिंदु पर और एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, तो ये भुजा जो है ये तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सिद्ध करना है एडी बट्टा एबी इज इक्वल टू एई बट्टा एसी, ये सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम दो पढ़ने पढ़े हैं, थेरेस पढ़ने यानी आधारभूत समानुपातिकता पढ़ने, उसको हम देखेंगे, उसी को बेस लेकर के चलेंगे। अब इसको बनाएंगे, फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि कोई त्रिभुज एबीसी की दो भुजा एबी और एसी को क्रमशः डी और ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सिद्ध करना है एडी बट्टा एबी, एडी बट्टा एबी इज इक्वल टू एई बट्टा एसी। अब हम इसको हल करेंगे, हम लोग देखेंगे इसको हल क्या करना है। तो हल करने के लिए यहां दिया हुआ हमारा क्या है, DE समांतर BC दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि DE समांतर BC, जब DE समांतर BC है तो थेरेस पर कहता है कि अगर कोई भुजा तीसरी प्रतिच्छेद करने वाली, दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, और रेखा जो है दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये दोनों रेखाएं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये दोनों समांतर है तो समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि एडी बटा बीडी, एडी इसलिए एडी बटा बीडी इज इक्वल टू एई बटा एसी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, थेरेस पढ़ने से। थेरेस पढ़ने से अब ये दिया हुआ, अब हम देखेंगे लेकिन हमको सिद्ध करना क्या है, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा एसी दिया हुआ है, सिद्ध करना है एडी बटा एबी बराबर एई बटा एसी। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उलट देंगे या इस पर से लिख सकते हैं बीडी बट्टा एडी प्लस ईसी बट्टा एई,
सॉरी प्लस 9 इज इक्वल टू BD बट्टा AD इज इक्वल टू EC बट्टा A, कुछ नहीं, दोनों तरफ के भिन्न को उलट दिया गया, अंश को हर और हर को अंश कर दिया गया, इससे इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जब भी हम चेंज करते हैं तो दोनों साइड एक ही जैसा परिवर्तन करते हैं, उससे इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड यानी इक्वेशन में हम दोनों तरफ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, यानी BD बट्टा AD प्लस 1 इज इक्वल टू EC बट्टा AD प्लस 1। अब 1 हो गया, तब हम फ्रैक्शन के नियम से जाएंगे तो ये AD यानी एलसीएम इसका AD हो जाएगा, AD से डिवाइड करेंगे AD 1 टाइम्स इक्वल टू यहां BD हो जाएगा, प्लस यहां 1 है इसके डिनोमिनेटर भी 1 होते हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी चीज में, तो जो जिसमें भाग देंगे वही चीज आता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे AD में तो AD ही आएगा, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो AD, इसी तरह इधर भी AE EC प्लस AE। अब यहां आप लोग हम लोग फिगर में देखेंगे कि AD प्लस BD, ये AD प्लस BD इक्वल टू क्या हो गया AB, AD और BD को जोड़ दिए AE हो गया, तो हम AD प्लस BD बराबर लिख देंगे AE बट्टा AD, बराबर उसी तरह AE और EC को दोनों को जोड़ देंगे तो बन जाएगा AC, ये हो गया AC बट्टा AE। हम ऊपर में क्या किए थे, भिन्न को उलट दिए थे, अब पुनः यहां पर हम भिन्न को उलट देंगे, या AD बट्टा AE AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा AC। यहां पे गलती से E लिखा गया था, इसको मैंने B कर दिया है, पुनः इसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेंगे कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है जिसके दो भुजाओं पर, दो भुजाओं AB और AC पर D और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर है, तो सिद्ध करना है AD बट्टे AB इज इक्वल टू AE बट्टे AC। इसको सिद्ध करने के लिए हमें थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, जो बीच हमने पढ़ा है थेल्स प्रमेय, क्योंकि यहां दिया हुआ है DE समांतर BC दिया हुआ है, इसलिए थेल्स प्रमेय में हमको जब समांतर होती है तो समान भुजाएं समानुपाती हो जाती है, इसलिए AD बट्टा BD बराबर AE बट्टा AC या BD बट्टा दोनों को उलट दिए, भिन्न को उलट दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं आती, उलटने का BD बट्टा AD प्लस EC बट्टा AE ना, दोनों तरफ क्या की एक जोड़ दिए, एक जोड़ने के बाद हमारा इस तरह से भिन्न प्राप्त हुआ, और जब ये हमको भिन्न प्राप्त हुआ तो इसको भिन्न का हम नियम लगा दिए और BD प्लस AD मिलके AB हो गया और EC प्लस AE मिलकर AC हो गया। पुनः हम इसको ऊपर में भिन्न को उलटे थे, पुनः हम नीचे उलट दिए, इस तरह से हमारा जो है सवाल में समझ में आ